बाजार में जिस तरह के ट्रेड्स हम देख रहे हैं, नजरिया जैसा देख रहे हैं, आज सुबह भी बाजार पर जिस तरह से हमने आउटलुक बताया था, एक कॉशियस एनवायरनमेंट में ही मार्केट्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, आपकी रीडिंग मार्केट्स के लिए क्या है? देखिए, पिछले 3 साढ़े 3 महीनों से मार्केट एक पेंडुलम की तरह बिहेव कर रहा है। जब वो चलता है तो ऐसा चलता है कि लगता है कि रुकेगा नहीं, और जब वो गिरता है तो ऐसा लगता है कि कोई सपोर्ट ही नहीं है मार्केट के लिए। ये हम पिछले 3 साढ़े 3 महीना से देख रहे हैं, और ये समझना जरूरी है कि अक्टूबर के महीने में मार्केट ने अपना टॉप बनाया 18,600, और उसके बाद 7 महीना निकल गया और मार्केट एक रेंज में है। नीचे की तरफ 16,500 और ऊपर की तरफ 18,000 18,500। अब मेरा मेरे को अभी भी लगता है कि ये एक हेल्दी कंसोलिडेशन है, क्योंकि 2 साल की तेजी थी, उसके बाद ये कंसोलिडेशन जरूरी था, और इस कंसोलिडेशन में जो सारे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स थे वो काफी अच्छा से कूल ऑफ कर गए हैं। पर ये जो अभी पुल बैक जो हमने देखा पिछले 7-10 दिनों में, मेरे हिसाब से ये नॉर्मल है, क्योंकि निफ्टी ने 2,500 पॉइंट का तेजी देखा एट अ वेरी रैपिड पेस, 16,600 से लेकर 18,100। और क्योंकि इतनी बड़ी तेजी थी तो थोड़ा बहुत पुल बैक बनता था। ग्लोबल मार्केट्स भी अब स्टेबलाइज कर गए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी थोड़ी सी बेटर हो गई है, और क्योंकि ये दो दो बड़े कंपनी के रिजल्ट्स खराब थे उसके कारण निफ्टी ने 17,400 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो ब्रेक किया, बट आई थिंक ये टेम्पररी है। तो अब जो अगला सपोर्ट जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो है 17,000, और मुझे लग रहा है कि 17,000 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड वापस अच्छी हो जाएगी। ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है, इसमें खरीदारी करनी चाहिए, वन शुड नॉट बी ओवरली कंसर्न। हो सकता है कि 3-4-5 दिन लगे थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए, पर 17,000 से मुझे लग रहा है कि मार्केट स्टेबलाइज करके वापस घूमेगा, और एक अगर वो वापस घूमता है तो 18,000 18,500 तक वापस जा सकता है। तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, सेक्टर स्पेसिफिक रहिए, निफ्टी में ज्यादा फोकस मत रहिए, क्योंकि जो निफ्टी के जो टॉप कंपोनेंट्स है वो अभी अच्छे पोजीशन में नहीं मार्केट है। एक ऐसे पोजीशन पे आ गया है जहां पर हेडविंड्स तो हमेशा ही रहेंगे। कोविड का तो चर्चा हमेशा 2 साल से चल रहा है, कभी ना कभी कोई ना कोई वेरिएंट आता ही रहता है और मार्केट को उसके कारण वो डराता है, बट देन प्राइस एक्शन सुप्रीम है, और आई डोंट थिंक कि मार्केट अभी कोविड की जो कंसर्न्स है उसको फैक्टर इन करना चाहता है। वैल्यूएशंस अगेन, वो तो पिछले 6-8 महीने से हम डिस्कस कर रहे हैं, वैल्यूएशन की कंसर्न्स तो हमेशा से थे, बट ये समझना जरूरी है कि ग्लोबल मार्केट्स अभी स्टेडी हो गए हैं, और ये जो पूरी जो 800 पॉइंट की जो फॉल आई है निफ्टी में, अगर आज का दिन निकाल दें तो विक्स में कोई मूवमेंट ही नहीं आई है। तो फियर एज सच कोई सिस्टम में है नहीं, मार्केट को एक पुल बैक चाहिए था, वो अभी हुआ है, और मुझे लग रहा है कि ये जो पुल बैक जो 18,100 के लेवल से चालू हुई थी वो 17,000 के आसपास खत्म हो सकती है। ये इंडिकेशंस है, वी विल हैव टू वेट फॉर रिवर्सल, वी विल हैव टू वेट फॉर सम गुड बार्स, और मेरे हिसाब से ये अगला 3-4-5 दिन में हो सकता है, क्योंकि आज के मार्केट में सब कुछ जल्दी हो रहा है। जब बाजार को चलना होता है तो वो जल्दी 1,000 2,000 पॉइंट चल जाता है, गिरना होता है तभी भी वो जल्दी हो जाता है। आप देखिए, 10 दिन में हमने 1,000 पॉइंट निफ्टी में लूज किया। सो रिस्क रिवॉर्ड अब बेटर हो गया है, और जैसे मैंने पहले कहा, अब ये निफ्टी का मार्केट रहा नहीं, अब ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। आज के मार्केट में भी कितने मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स अच्छे कर रहे हैं, और अब आई थिंक फोकस ब्रॉडर मार्केट में होनी चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक थीम्स में होनी चाहिए, क्योंकि जो बड़े स्टॉक्स है उसमें कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही है।